हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। वेलकम टू लवली किचन। आइए मेरे साथ में बनाते हैं एक हल्दी वाला प्यारा सा सूप, जो कि झटपट बनेगा, मिनटों में बनेगा, चुटकियों में बनेगा। हल्दी वाला कौन सूप बनाऊंगी, चलिए सीखते हैं उसको कैसे बनाना है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगने हैं। झटपट सीखेंगे, झटपट बनाएंगे, आप लोग बना के फिर मुझे बताएंगे। चलिए सीखते हैं, चलिए चलिए झटपट सीखते हैं। हमको सूप के लिए पहले क्या क्या चीजें लेनी है। कॉर्न सूप है तो सबसे पहले कॉर्न लेने हैं, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये धनिया लिया है, यही कॉर्न को मैंने पीस लिया है मिक्सर में, इसको ना ऐसे मैश कर लिया। देखिए आधे कॉर्न मैश कर लेने हैं, आधे ऐसे साबुत रखने हैं। धनिया ले लिया बारीक बारीक, ये स्प्रिंग ऑनियन जो ग्रीन वाला पार्ट है, प्याज नहीं लिए, जो उसका ग्रीन है ना बस वही लिया। ये ले लिया, छोटी छोटी बारीक गाजर काट लेनी है, छोटा छोटा ये शिमला मिर्ची कट कर लेना है। ये देखिए अदरक लहसुन, ये थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा लेना, बारीक काटना है लाइक चाइनीज जैसे, और ग्रीन चिली। इन चीज़ों से बनेगा मेरा हेल्दी वाला सूप। और ये साथ में लेना है कॉर्न पाउडर, जो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गई, सॉरी, जो चिकना करता है, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, हिंदी में अरा रोड बोलते हैं, सॉरी भूल गई, कॉर्न पाउडर ही बोलते हैं शायद, ये वो लेना है। एक चम्मच मैंने लिया है, ये भर के एक चम्मच लिया। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको हमने पहले ही ऐसे घोल के रख लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। सूप बनने के बाद में इसको डालना, लेकिन इसको पहले से हमको घोल के रेडी कर लेना है, ठीक है। तो वापस से बता देती हूँ, ये मेरी शिमला, ग्रीन चिल्ली, लहसुन, अदरक, गाजर, स्प्रिंग ऑनियन मैश किया हुआ, कॉर्न, धनिया और साबुत कॉर्न, इन चीज़ों से बनेगा झटपट फटाफट मेरा कॉर्न सूप। अब मेरा पैन गरम है, मैंने देखिए इसमें तेल डाला है एक चम्मच, थोड़ा सा तेल इसमें डाला है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, बस एक चम्मच तेल डालना है। और मैंने पहले ही गैस गरम कर दिया था, इसके लिए झटपट फटाफट बनता है, इसके लिए ये सब चीज़ें एक साथ, देखिए लहसुन, ग्रीन चिल्ली, सब फटाफट, अलग अलग चीजें नहीं डालनी है, सब फटाफट डाल देना। और थोड़ा सा देखिए उसको चम्मच से हम चलाएंगे, काले ब्राउन बिल्कुल नहीं करने हैं, हल्के हल्के उसको बस करना है। और इसमें डाल देंगे हम अपना साथ में सेंधा नमक, गैस को मीडियम रखना है, अगर तेज करेंगे तो पूरे काले हो जाएंगे। और साथ में हम डाल देने वाले हैं अपना गाजर। आप देखते रहिए झटपट कैसे बनता है, हर एक चीज को ज्यादा देर तक उसको पकाना नहीं है। ये देखिए साथ में डाल दी हमने शिमला मिर्ची, और साथ में हमने डाल दिए अपने कॉर्न भी, और ये स्प्रिंग ऑनियन भी, क्योंकि गैस तेज था इसके लिए मैंने इसको ऑफ कर दिया था। अब मैं वापस इसको गैस को ऑन करती हूँ। तो बस 5 मिनट के लिए हमको इसको सबको पकाना है। बहुत ही हेल्दी और प्यारा सूप रहता है, जो कि झटपट बनता। देखें इसको हमने भी 5 मिनट के लिए हमको ऐसे पकाना है, ताकि जो भी हमने नमक लहसुन अदरक डाला है इन सब्जियों में सारा उसका असर आना चाहिए। ज़्यादा देर नहीं, इसको 15-20 मिनट नहीं पकाएंगे, खाली 5-10 मिनट में इसको बस हम पकाएंगे। और वापस इसमें क्या डालना है वो बताती हूँ। इसको हमने ढक के पका लेनी है सब्जियों को 5 मिनट, ताकि अपनी गाजर जो शिमला है थोड़ी सी पक जाए, उसको ज़्यादा पूरा भी नरम करना। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। अब मेरा ढक के हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना पूरा धनिया, और जो मैश करके हमने रखा है जो कॉर्न को हमने मैश किया, इसको भी ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी डाल के भी ऐड करेंगे, ताकि वो जो भी उसमें लगा है हमको कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है।
अभी ये डालने के बाद में हमको वापस से इसको थोड़ी देर पकने के लिए इसको छोड़ना है। ढक के इसको वापस पकाएंगे। ये देखिए, ये हमको इस तरह से इसको मैश कॉर्न और इन सब चीजें पकेंगी। 5 मिनट के लिए पकाना है, ज्यादा देर नहीं पकाना। फटफट बनता है क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का काम है और हेल्दी वाला सूप बन जाता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना पानी भी। अब देखिए, मैं इसमें डाल देने वाली हूँ अपना 1 गिलास पानी। 1 गिलास और डालूंगी क्योंकि ये 4-5 लोगों के लिए बन रहा है सूप। क्वांटिटी मैंने ज्यादा ली है। नहीं, देखिए 2 गिलास नाप के हम इसमें पानी डाल देंगे। अभी इसको वापस से पकने देंगे, अच्छे से इसमें बॉयल आएंगे। देखिए कितना सुंदर प्यारा प्यारा कलर सूप का। कितनी देर लगती है, 10 मिनट में सूप बन जाते हैं घर के। ये देखिए, अभी वापस हम इसको ढक देंगे और ढक के इसको हल्के गैस पे, स्लो गैस पे इसको बॉयल आने देंगे। देखिए कितने सुंदर प्यारे से बॉयल आने लग गए हैं, आ रहे हैं ऐसे। जितना आपको पतला चाहिए ना, देखिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपना जो कॉर्न पाउडर, जो अभी पानी में घोल के रखा था ना, देखिए ये अब इसमें डाल देंगे। श्राद्ध जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, 1 चम्मच जो घोला था इसमें ऐड कर देंगे ये। और वापस इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और एकदम रेडी होने के बाद में ऊपर से हमने डालना है ब्लैक पेपर, क्योंकि हमने सिर्फ ग्रीन चिली डाली है। थोड़ा सा कोई भी सूप ना ब्लैक पेपर के बिना वो सूप अधूरा है। हर चीज में आपको ब्लैक पेपर मेडिसिन है, हमको जरूर डालनी है। देखिए थोड़ा सा, देखिए कितना कम, और कम करती हूँ, बहुत कम लेना, कईयों को तेज अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा देखिए हमको स्प्रिंकल करना है ये ब्लैक पेपर, बहुत कम डालना है, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि कभी कभी उससे कड़वापन आ जाता है। देखिए मेरा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सूप कैसे रेडी है। अब मैं इसको करती हूँ बाउल और इसको पीने के मजे लूंगी मैं, और आपको भी पीना है जरूर बना के। अब देखिए ये बॉयल आने के बाद में एकदम थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे तो सूप नहीं लगेगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो अब मैं इसको करती हूँ देखिए बाउल, झटपट फटाफट हेल्दी वाला सूप। आजकल सर्दियाँ सब जगह आपको बना बना के ऐसा पीना है। ये डाल के बाउल में देने को ना मुझे फोटो वीडियो लेने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना क्लियर आपको दिखता है कि हम क्या डाल रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अभी झटपट बना के आपको भी खाना है। चलिए चलिए, देखिए मेरा सूप रेडी है, प्यारा सा सुंदर सा, आपको बना के पीना है। ये जो सूप होते हैं ना हमारे, सूप हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अंदर सब पाइप ही है ना। जो भी हम मैदा, ऑयल, चीज़ें, बिस्किट, जो भी ऐसी चीज़ें खाते जो अंदर जम जाती हैं, जब हम इनको पीते हैं तो पूरे पाइप अंदर क्लीन हो जाते हैं। एक बेसिक फंडा समझ जाइए, गर्म गर्म हमको सूप पीना है। इसलिए जैसे गर्म पानी पीते हैं बोलते हैं अच्छा रहता है, ऐसे अगर हम ये सब्जियों के साथ में सूप पीते हैं तो हाजमा अच्छा कर देते हैं, अपने गट को अच्छा करते हैं, हमारे पेट को क्लीन कर देते हैं। हमारा जो अंदर पाइप सिस्टम है पूरा, उनका सिस्टम एकदम ड्रेनेज जो पावर क्लीन हो जाते हैं। मैं समझाया इतना डिटेल में क्यों रही हूँ, कभी कभी लोग सोचते हैं कि सूप क्यों पीना है। सूप जो बहुत ज़रूरी है, सूप पीना है, इससे आपका चेहरा ग्लो करेगा, सुंदर दिखेंगे, प्यारे दिखेंगे। आपके अंदर जो जाने वाला है वही आपके चेहरे पे दिखने वाला है। तो आपको सबको हेल्दी वाला सूप बना के पीने हैं। बनाइए, पीजिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करने हैं, वो नहीं भूलना है। उसके बिना हेल्दी खाने आगे नहीं दिखेंगे। और सब लोग जाके पेज पे लाइक बटन जरूर दबाया कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।